मिस्टर स्पीकर सर, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 72 पे हिसाब से मैंने पूछा था कि कितने कत्ल हुए हैं 1/1/2017 से 30/9/2018 तक। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया है कि तकरीबन चलो 3,000 कत्ल हुए हैं 9 महीने में। 9 महीने में 3,000 कत्ल हुए। चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल जी, हमको इस फ्लो पे बताएं कि अभी नया सवाल साल शुरू होने वाला है, वो क्या करेंगे कि ये 3,000 जो कत्ल होते हैं उनको कम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं करेक्शन कर दूं, पेन मैन मारने से सही नहीं होता, ये 1 साल और 9 महीने का सवाल था, 9 महीने नहीं, 1 साल और 9 महीने की कत्ल जो है वो है। मैंने तो बताया कि बहुत ज़्यादा है अफेक्टिव पुलिस, और ये वो दौर है जब पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। हमने अब नया कानून पास कर लिया है, अब देर इज पुलिस सेफ्टी कमीशन जो ओवरसाइट जिसकी तरफ है जो कर सकती है। इस जमाने में ये जो दौर बता रहे हैं इसमें एक हाईकोर्ट की जजमेंट के बाद पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी तो ये हुआ था। अब बिल्कुल ओवरसाइट भी है, असेंबली में भी कमिटीज बनी हुई हैं और उन ओवरसाइट से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो गाइड करेंगे पुलिस को कि अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर करें, उनके ऑपरेशंस की इंडिपेंडेंस या कंट्रोल जो है उसको अलग रखते हुए। लेकिन ये जो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सवाल पेन मारने से ऐसे सही नहीं हो जाता, आपने लिखा है कि क्या कुछ और रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मेरे पेन के साथ नाराज है तो मैं रखता रहूँ तो आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज राइट नाउ। I suspect something, but I don't think I'll say anything. आज फिर टाई और अच्छी पहन के आए तो इसलिए यकीनन ये वो मर्डर होंगे जो रिपोर्ट भी होंगे पुलिस में, इनकी अफेयर्स भी होंगी। तो मैं सिर्फ जानना ही चाहता हूँ सीएम साहब से कि इन 3,000 लोगों के कितने मुजरिम पकड़े गए, कितने कातिल गिरफ्तार हुए हैं? देखिए ये अगर स्पेसिफिक ये टोटल जो सवाल है उसमें पूछा गया था और उस डिस्ट्रिक्ट वाइज और मंथ वाइज ये सारी डिटेल दी हुई है, और कोई स्पेसिफिक केस हो इसलिए कि 3,000 का तो ऑब्वियसली मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं लेके आऊँगा, कोई स्पेसिफिक केस हो वो पूछते हैं वो बता दिया जाएगा। सर ये जो फिगर है वो इतना आसान नहीं है कि इतना कम है कि हम जिस पर बात ना करें, फिगर बहुत बड़ा है कत्ल हो जाना इतना इतने महीनों में। और यहाँ पर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि ये उस वक्त जो रीज़न दे रहे हैं वो ये रीज़न दे रहे हैं कि उस वक्त पुलिस आज़ाद थी। दूसरी चीज़ ये बताइए सर कि आप ये तो चले हुआ, लेकिन अब जो इंसिडेंट हो रहे हैं, दुआमंगी का वाक़या हो गया, बिस्मा का, दूसरे ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो क्या अब पुलिस आज़ाद नहीं है, आपके अंडर में है फिर भी इतने डे बाय डे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो सर क्या कंपेयर करें हम, क्या फ़ायदा हुआ? बट मैंने ये नहीं कहा आज़ाद पहले, उस वक्त आज़ाद थी, मैंने कहा देर वॉज नो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑन इट, देर वॉज नो स्टैचुटरी ओवरसाइट ऑन इट। अब इस असेंबली के मेंबरान को थ्रू द पब्लिक सेफ्टी कमीशन वो पुलिस एक्सेसेस के जवाब दे हैं, ये मैंने कहा था। उस वक्त जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स थी बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर वो टोटली इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंदर थी, अब इट इज अ कंसल्टेशन इन द फील्ड पोजीशंस बिटवीन द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड द चीफ मिनिस्टर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन सब लोगों से मिला हूँ जिन जिन के साथ ये इंसिडेंट्स हुए, उनका फेथ पुलिस से उतर गया था, दे डिडंट इवन वांट टू टॉक टू द पुलिस, और मैंने इंटरवीन करके और पुलिस से उनको बात करी ताकि हमें कुछ क्लूज मिल सके और हम इस गैंग को पकड़ सके जिन्होंने ये वाकयात किए हैं। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। मैं पुलिस को बिल्कुल वो भी नहीं करूँगा, हमारी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, जो कि अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि इट इज़ मच बेटर, और उसके अंदर पुलिस की जो सैक्रिफाइसेज हैं उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हिक पहले सालों में 1/1/2017 to 31/12/2017 सबनी का वधीक किलिंग्स थियूं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची, सबनी का वधीक बे नंबर ते मलीरा है 125 इन सेंट्रल में 123 मलीर में, जेके 9 महीना इन 1/1/2018 का 30/9/2018 शहीद बेनजीराबाद 117 मर्डर्स।